हजार से आदमी पर प्रशासन का आ रहा है, 50 प्रेस वाले आए जो आदमी 5-5 बंदों को लेके आ रहा है, 40 बंदों को लेके आया, अब क्या करें उसके। तो आप कुछ कहना चाहोगे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ देहरादून का प्रसिद्ध मंदिर टपकेश्वर महादेव। यहाँ की बता दूँ जो आपका पड़ता है गड़ी कैंट में स्थित है देहरादून के। और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 6:10। आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह कहाँ चला। तो दोस्तों लेके चलता हूँ मंदिर, क्योंकि आज हम महाशिवरात्रि और आप सभी को और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चले चलते हैं मंदिर की तरफ। कहाँ घुसना चाह रहे तुम? तो भाई लोगों, अभी हम मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए हैं और टाइम हो चुका है 11:11। तो देख सकते हो कि लोग बीच में आ रहे हैं, काफी लोग बीच में घुस रहे हैं और जगह नहीं मिल रही हमें बिल्कुल जाने की। जय भारत वाले भी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो आप, जय भारत न्यूज रिपोर्टर जय भारत के, और सभी न्यूज वाले आज यहाँ देखने को मिलेंगे हमारे उत्तराखंड के छोटे से टपकेश्वर मंदिर में जो गड़ी कैंट में स्थित है। और बाबा जी भी यहाँ पर खड़े हैं अपने। बाबा जी राम राम, राम राम बाबा जी, राम राम बाबा जी। पास नहीं है, अब बताओ। देखो मैं अगर वहाँ ऊपर रोकता ना, बिल्कुल आप ही लोग मुझे बोल रहे हैं कि अब पास मैं ऊपर जाके रुकूंगी, यहाँ रुको, अब यहाँ इनका क्या करूँ? अंकल जी का, अंकल जी को बोलो, बोलो बोलो बोलो, अंकल जी को बोलो, अंकल जी लाइन में लगे हुए, बोलो अंकल। हजार से आदमी पर प्रशासन का आ रहा है, 50 प्रेस वाले आए जो आदमी 5-5 बंदों को लेके आ रहा है, बिल्कुल 40 बंदों को लेके आया, अब क्या करें उसके। तो यहाँ पर जो है रिपोर्टर भी आ रखे हैं, मीडिया वाले भी आ रखे हैं, प्रेस वाले, अब ये नहीं पता ये कौन से प्रेस हैं, भारत टीवी वाले हैं तो भारत वाले, ये भारत टीवी वाले हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ सांप देखने, और देख के आता हूँ जरा सांप कैसा है यहाँ पर। और ये है पानी, गंगा जल तो नहीं शुद्ध, लेकिन जैसे भी है हमारे लिए शुद्ध ही है, क्योंकि पानी है और पानी कभी अशुद्ध नहीं होता है। तो दोस्तों भाई सेल्फी ले लो, सेल्फी एक फोटो तुम वहां से लो, चल भाई सेल्फी ले लो, सेल्फी ले लो। रिपोर्टर आ रहे के, इनकी भी दिखा रहे थे अपने अपने ब्लॉग में, हमारे ब्लॉग में हम दिखा रहे हैं आज ईटीवी न्यूज़ की रिपोर्टर, देख सकते हो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और हमारी लाइन कहाँ गई? हमारी लाइन यहाँ पर है।
दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है महिला लिखा हुआ है और जा रहे सारे जेंट्स हैं। सांपों से बचने के लिए हेलमेट पहन लिया। व्हाट डांस कर रहा हूँ। अरे वाह डांस कर रहा है तो फुल। देख सकते हो यहाँ पर जो है महिला की जगह पुरुष जा रहे हैं सारे। आप कुछ कहना चाहोगे? क्या बोलेंगे ड्यूटी कर रहे हैं? तो हम आ चुके हैं घर ब्रेक के अंदर और देख सकते हैं ये हमारी लाइन चल रही है। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले। दोस्तों मुझे गर्मी आ चुकी है। फिर क्या करेंगे? हैं फिर क्या ना ऐसे कुछ नहीं जगह तो आ जाएगा। बक बक बोले बक बक बोले बक बक बोले बक बक बोले हरे बोल शंकर भगवान की जय। बोल बजरंग बली की जय। बोल पार्वती मैया की जय। हाँ मुझे जाना पड़ेगा ऊपर। हाँ तो दोस्तों जो है हम मंदिर के बैक साइड में आ चुके हैं मंदिर के दर्शन करके और देख सकते हो यहाँ भी कितनी भीड़ भड़ाका है और नीचे झरना भी है। कहाँ चले झरना में? तो देख सकते हो यहाँ पर झरना भी है और झरने का लेते हैं लुक। जटा धराए शिव जटा धराए हरे। तो अभी हम जो है निकल चुके हैं मंदिर से बाहर दर्शन करके और जय देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता बिल्कुल नहीं है भाई। रास्ता बंद हो गया यार। अरे वहाँ नीचे नजर जाना पड़ेगा यार। सांप है सांप है सांप है नीचे डालना। शिव गंगा धरा हर हर भोले नमः शिवाय। दोस्तों हम आ चुके हैं दूसरी तरफ और ये देख सकते हो आप इधर भी नहीं मिल रहे। सामने वी आई पी लाइन लगी हुई है ये साधारण है सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। तो दोस्तों देख सकते हो कि मैं खेत के रास्ते आया हूँ, क्योंकि जो है उस साइड कि खड़े होने की जगह भी नहीं हो रही है। लोग जो है दूसरे रास्ते से निकल के अपना बीच बचाव कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, मतलब कि खड़े होने की जगह भी नहीं बिल्कुल भी। और टाइम हो रहा है 1:12, ये बीच बीच हम निकल रहे हैं, देखते हैं आगे कैसा होता है। हेलो दोस्तों, मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और मैं लगभग आया था 1:30 के लगभग, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो थकान भी लग चुकी है, तो सोच रहा हूँ क्यों ना रेस्ट किया जाए। और अब करूँगा मैं वीडियो की एडिटिंग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ना जाए। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। जय भूमि, जय उत्तराखंड।